हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत ही अपने अपने घरों में सेफ होंगे एंड हेल्दी होंगे। तो मैं आज वापस से एक नई रेसिपी लेकर के आई हूँ, वो भी ओटीजी के साथ। बहुत लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि न्यू ओटीजी है तो आप उसे फर्स्ट टाइम यूज कैसे करें, तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मैं उसके साथ आपको एक रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। रेसिपी में यहाँ पे आपको गार्लिक बर्न की रेसिपी लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने एक मिक्सिंग बोल में एक कप वार्म मिल्क है, ये हाफ कप है इसलिए मैं दो बार डाल रही हूँ, बट 1 कप ये वार्म मिल्क है। तो मैंने वार्म मिल्क ले लिया। आप चाहे तो इसे पानी में बनाएं, लेकिन अगर आप दूध के साथ बनाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो ये 1 कप वार्म मिल्क ले लिया मैंने। 1 टेबल स्पून इसमें शुगर ले लिया। शुगर आप ब्राउन शुगर भी यूज कर सकते हैं, व्हाइट शुगर भी यूज कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं। 1 टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पे इंस्टेंट ड्राई ईस्ट लिया है। और मैंने इसे क्या किया, अब अच्छे से हम इसे मिक्स कर देंगे एक स्पून की हेल्प से, और हम इसे 10 to 15 मिनट्स के लिए इसे फर्मेंट होने के लिए रख देंगे। राइज हो जाएगा हमारा, ये प्रूफ हो जाएगा बहुत अच्छे से जब हमारा ईस्ट, उसके बाद ही हम आगे के प्रोसेस को करेंगे। तो आप दिख रहा है ये थोड़े से ना लम्स इसमें आ जाते हैं, तो बस हमें इसे थोड़ा सा डिजोल्व कर देना है मिक्स करके। जहां पे भी आपके किचन में गर्म जगह हो वो 10 to 15 मिनट्स के लिए छोड़ दें। तो 10 से 15 मिनट के बाद यहाँ पे मेरा ईस्ट जो है बहुत अच्छे से राइज हो चुका है। आपको दिख रहा है इस पे झाग झाग जैसे दिख रहे हैं ना। अगर ऐसा नहीं होता है तो प्लीज आप उसको फेंक दें, अपने वापस से एक बार और मिक्सचर बनाएं। तो मैंने यहाँ पे हमारा जो ईस्ट हो चुका है राइज, मैं वहां पे 3 कप्स जो है वो मैदा ले रही हूँ। प्लेन मैदा है, जो नॉर्मल मैदा आता है, 3 कप मैंने मैदा ले लिया है। 1 स्पून के करीब यहाँ पे नमक जाएगा, या आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग, बट 1 स्पून नमक जाता है। मैं यहाँ पे पिंक सॉल्ट यूज कर रही हूँ, आप कोई सा भी सॉल्ट जो है यूज कर सकते हैं। अब हम इन सारी चीजों को पहले अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे ईस्ट के साथ। जितना इसमें आटा लग जाएगा हम उतना लगा लेंगे। उसके बाद जितनी भी रिक्वायरमेंट होगी हमें इसमें पानी की, आप तो चाहे पानी से इसे लगा सकते हैं, डो को तैयार कर सकते हैं, या मिल्क के साथ। तो मैं यहाँ पे मिल्क के साथ लगाने वाली हूँ। तो ये देखिए, अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हमें इसे रोटी से थोड़ा सा लूज हमें इसका डो तैयार करना है। तो आप जैसे रोटी के लिए डो तैयार करते हैं ना, थोड़ा सा उससे थोड़ा और लूज साइड पे हमें इसे रेडी करना है। और ये थोड़ा सा स्टार्टिंग टाइम पे ना चिपचिपी सी होती है, लेकिन हम इसे 10 मिनट्स तक इस तरीके से जब नीड करते हैं कंटिन्यूअस, तो ये ना अच्छे से स्मूथ हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही हो तो आप क्या कर सकते हैं, बीच बीच में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए इसे इस तरीके से बहुत अच्छे से हम इसे मस लेंगे। और बाद में मैं इसे थोड़ा सा पटक पटक रही हूँ, आपको दिख रहा है मैं इसे स्ट्रेच कर रही हूँ और फिर से पटक दे रही हूँ। ऐसा करने से होता है क्या, हमारा आटा डो जो है बहुत अच्छा बनकर के तैयार होता है। तो मैंने करीब इसे 10 मिनट्स तक इसे बहुत अच्छे से नीड किया, बीच में एक बार ऑयल भी इसमें लगाया। अब हमारा आटा देखिए आपको कितना स्मूथ बन चुका है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं दिख रहा है। सभी चारों साइड से बहुत ही स्मूथ सा तैयार हो गया हमारा ये डो। हम इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। ऑयल इस पूरे बर्तन में, जिस बर्तन में भी आप इसे फर्मेंट होने के लिए रखेंगे डो को राइज होने के लिए, उस बर्तन में सबसे पहले अच्छे से चिकनाई लगाएंगे। और इस डो को देखिए मैं किस तरीके से टक कर रही हूँ, ऊपर से ले जाते हुए नीचे की तरफ मैं उसे इकट्ठा कर रही हूँ सारे को। आप देखिए अपने हाथों की हेल्प से प्रेस करते हुए उसे अच्छे से हम एक अच्छा स्मूथ सा डो तैयार कर लेंगे, बोल जैसा बना लेंगे। ये देखिए मैंने इसके सारे एजेस को अच्छे से सील कर दिया, बहुत अच्छे से गोल हो गया है। अब हम इसमें जरा सा ऑयल अप्लाई करके और उसे 1 घंटा, गर्मी है अभी जो समर चल रहा है तो 1 घंटा कम से कम लग जाता है, और विंटर में 1 से ज्यादा घंटा लग सकता है, 1.5 घंटा या 2 घंटा अगर आपके पास टाइम है तो। 1 घंटे बाद ये बहुत अच्छे से राइज होकर के 3 गुना साइजेस में बढ़ जाता है, ये काफी हो जाता है। तो मैं आपको दिखाती हूँ 1 घंटे बाद, देखिए हमारा डो कितना था और कितने अच्छे से फर्मेंट होकर के राइज होकर के हो चुका है। तो हम इसे साइड कर लेते हैं, तब तक हम गार्लिक बटर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 टेबल स्पून गार्लिक लिया है, मैंने इसे चॉपर की हेल्प से बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है। ये मेरा होममेड चिली फ्लेक्स है इसलिए ऐसा दिख रहा है, आप मार्केट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पे चिली फ्लेक्स ले रही हूँ। चिली फ्लेक्स मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है इसलिए मैंने ज्यादा ऐड किया है, आप थोड़ा कम भी ले सकते हैं, 1 स्पून भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड आपके टेस्ट पे है। और मैंने 1 स्पून यहाँ पे मिक्स हर्ब लिया, जो पिज्जा सीजनिंग हर्ब्स आते हैं ना मिक्स वाले, वो वाले लिए हैं। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे बटर ले लूंगी। बटर मेरा रूम टेम्परेचर पे है, आप थोड़ा सा माइक्रोवेव करके इसे और सॉफ्ट भी कर सकते हैं, अभी मेरा रूम टेम्परेचर पे। अब हम इस सारी चीजों को बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये भी है थोड़े से फेटेंगे तो ये सॉफ्ट हो जाता है।
तो हम इसका एक बटर बना करके, स्प्रेड बना करके हम तैयार कर लेंगे। तो हमारा ये गार्लिक बटर तैयार हो चुका है, अब हम इसे साइड कर देंगे। तो ये भी थोड़ा टाइट है बट ये थोड़ी देर में सॉफ्ट हो जाएगा। मेरे पास फ्रोजन कॉर्न है, वैसे सीजन है फ्रोजन अभी कॉर्न का, तो आप फ्रेश कॉर्न भी यूज कर सकते हैं बॉईल करके। और मैंने यहाँ पे मोजेला चीज लिया है, तो इन दो चीजों की और हमें जरूरत लगेगी। और हमारा जो डो बन करके तैयार था वो हम उसे एक पंच दे देंगे, उसे हम जब पंच करेंगे तो उसका सारा एयर रिलीज हो जाएगा। इस टाइम पे हमें डो को बिल्कुल भी नीट करने की जरूरत नहीं है, बस हम उसे एक बार स्मूथ कर लेंगे। और आपको जिस भी साइज में उसके डो बनाना है, बोल्स बनाना है, उस तरीके से हम उसे डिवाइड कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे छोटे छोटे बर्न्स बनाने वाली हूँ, तो बहुत बड़े मैं उसके साइजेस नहीं ले रही हूँ, आपको दिख रहा है। इसे हम वापस से टक एंड फोल्ड के मेथड वाले से ही हम इसका एक डो बोल तैयार करेंगे। अब उसे हाथों की सहायता से थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेंगे, आपसे नहीं होता है तो रोलिंग पिन ले और थोड़ा सा उसे फैला ले। आपको शेप पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है कि हमें एकदम राउंड शेप ही रखना है, कोशिश करें हो जा रहा है तो अच्छा है, वरना शेप पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा पतला रखेंगे और हम इस तरीके से अब इस पे स्प्रेड जो है फैला देंगे। आप हाथों की हेल्प से भी फैला सकते हैं तो, और नहीं तो आप इसे माइक्रोवेव कर ले तो मेल्ट हो जाएगा बहुत ही इजिली। स्मूद होता है ये बैटर, तो बहुत ही इजिली वो स्प्रेड हो जाता है ये। तो मैंने उस पे थोड़ा सा कॉर्न, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा कॉर्न डालेंगे, 1 स्पून के करीब कॉर्न डाला है मैंने। और चीज, आप इस तरह की गार्लिक ब्रेड बना ले या पिज्जा बना ले या भी जो मैं बर्न बना रही हूँ, इन चीजों में सबसे ज्यादा चीज का ही होता है। जितना चीज डालेंगे उतना अच्छा ये बन करके तैयार होगा, बट चीज क्वांटिटी के अंदर ही डाले तो ज्यादा अच्छा है हेल्थ के लिए, और टेस्ट के लिए तो आप जितना डाले उतना उतना अच्छा है। तो मैंने यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग चीज डाल दिया है। अब हम उसे, मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से प्लेट्स लगाते जाना है हमें। एक कॉर्नर से स्टार्ट करते हुए इस तरीके से प्लेट्स बनाते जाएंगे और उसे टक करते जाएंगे। जब हमारे सारे प्लेट्स इकट्ठे हो जाएंगे, हम उस प्लेट्स को अपोजिट साइड से हम उसे इस तरीके से घुमा देंगे, इस तरीके से गोल गोल घुमाते हुए। एक ऊपर हमारा जो एक्स्ट्रा है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ मैं इसे किस तरीके से मैंने घुमाया है। और फिर ऊपर का जो एक्स्ट्रा डो जो होता है पार्ट, हम उसे उस तरीके से नीचे फैला देंगे, तो ये एक फ्लावर जैसा शेप आ जाएगा। और हम अपने हाथों की हेल्प से उसे नीचे की तरफ थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। ये देखिए ये बिल्कुल नए तरीके का, बिल्कुल डिफरेंट बर्न जैसा बन करके हो गया तैयार। तो इसी तरीके से हम बाकी के भी तैयार कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे दूसरा भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरीके से, पहले हम इस तरीके से प्लेट्स लगाएंगे, फिर उसे एक अपोजिट साइड पे उसे इस तरीके से ट्विस्ट करते जाएंगे, और जो ऊपर एक्स्ट्रा जो होता है हम उसे नीचे की तरफ डाउन कर देंगे और अपनी उंगलियों की हेल्प से उसे अच्छे से दबा देंगे। और ये थोड़ा सा और राइज हो जाता है, थोड़ा और ये बढ़िया हो जाता है अगर हम इसे थोड़ा बना करके, अगर आपके पास टाइम है तो 10 to 15 मिनट्स हम इसे बेकिंग ट्रे में इस तरीके से बना करके रख देंगे, तो ये थोड़े और साइजेस में बड़े हो जाएंगे, ये फूलते हैं थोड़ी देर बाद। तो बचा हुआ जो रेस्ट ऑफ हमारे पास गार्लिक बटर है वो ऊपर से स्प्रेड कर देंगे, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और हमारी जो ब्रेड है वो सख्त नहीं बनेगी, सॉफ्ट बनेगा। तो हम इस तरीके से बचा हुआ जो भी स्प्रेड कर देंगे सब पे। मेरा डो थोड़ा और बच गया था तो मैंने उसे नॉर्मल प्लेन गार्लिक ब्रेड जो बनता है मैंने एक वो भी बना लिया था। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 4 बर्न ये वाले बनाए हैं और एक वो प्लेन गार्लिक। इस तरीके से सब पे हम बटर अप्लाई कर लेंगे। मीन वाइल मैंने क्या किया है, अपना OTG जो है 200 डिग्री सेल्सियस पे मैंने उसे प्री हीट होने रखा है 10 मिनट्स के लिए। तब तक हमारा OTG जब तक गर्म होता है तब तक हम बेकिंग ट्रे पे थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड कर देंगे ताकि हमारा जो बर्न है या गार्लिक ब्रेड जो है वो इस पे चिपके ना। वैसे तो नॉन स्टिक होता है बट फिर भी आप एक बार इस पे ऑयल की कोटिंग जरूर करके फिर ही इस पे कोई भी चीज आप बेक होने के लिए रखें। तो हमने बर्न जो भी रेडी किए थे थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस पे, दूर दूर पे हमें रखना है, बहुत चिपका के आपस में नहीं रखना है क्योंकि थोड़े से फूलते हैं, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा दूर पे ध्यान रखना है। और जो मैंने गार्लिक ब्रेड बनाया था उसमें भी बीच से इस तरीके से कट लगा करके, और इस पे भी मैंने अच्छे से गार्लिक बटर जो था वो बचा हुआ हमारा बहुत अच्छे से स्प्रेड कर दिया, और इसे भी हम बेक होने के लिए साथ में रख देंगे। अगर आपको मेरी ये वाली गार्लिक ब्रेड की भी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं बहुत जल्दी आपके साथ शेयर करूंगी। तो हमने इस तरीके से बेकिंग ट्रे में अपने सारे ब्रेड और बर्न्स को इस तरीके से प्लेस कर दिया। अब मैंने OTG में सेंटर में इस वक्त रख रही हूँ और मैं इसे 200 डिग्री सेल्सियस पे 20 मिनट्स के लिए बेक करने वाली हूँ। 20 मिनट्स के बाद हमारा जो बर्न है बहुत ही अच्छा बन करके तैयार हो जाता है।
डिपेंड, हर किसी का ओटीजी अलग अलग तरीके से परफॉर्म करता है, तो आप एक बार चेक जरूर करें। मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ मेरा, यहाँ पे मुझे लगा कि थोड़ा और बेक होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे और बेक किया है। मतलब मुझे टोटल 20 मिनट्स लगे थे, 20 मिनट्स में मेरा ये बन करके तैयार हो गया था। तो अगर आपको मेरे वीडियोस जरा से भी अच्छे लगते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।